किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौहान। माँ की ममता और माँ के प्यार पर तो बहुत कुछ लिखा गया, पर पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर की इम्पोर्टेंस क्या है और पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसे उसके पापा हमेशा कहते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो और बेटा बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक विश थी कि उसे एक बाइक चाहिए थी। वह लड़का अपने फादर से कहा करता था कि मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वह गाड़ी से कोचिंग आते हैं और मैं पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार वह अपने फादर से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि कैसे मैं यह घर चला रहा हूँ। लड़के का दिमाग सनक गया। वह होता है ना कि आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसे लगा कि पापा कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने यह डिसाइड कर लिया कि आज वह घर छोड़कर चला जाएगा और इस फैमिली में अब नहीं रहेगा। वह गलत लोगों के साथ रहने लग गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके पापा बाहर गए हुए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई हुई थी, लड़का अकेले था और उसके दिमाग में यह सब चल रहा था। तब उसने डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं और सब छोड़ देते हैं। तभी उसने देखा कि जो फादर थे वह अपना पर्स ले जाना भूल गए थे। दोपहर था, पर्स टेबल पर रखा हुआ था। उसने कहा बस पैसे ही तो चाहिए, बहुत माल छुपा रखा है। उसने पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और जूते पहनकर निकल पड़ा। थोड़े आगे आया तो समझ आया कि पापा के जूते पहने हैं। वह गुस्से में था, उसने जूते वहीं उतारे और नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, तब भी चला जा रहा था। बहुत बड़बड़ा रहा था कि मेरे पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, बेकार आदमी हैं, ये है वो है, और बस मेरी एक विश थी और वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैरों से खून बहने लगा और उसे दर्द होने लगा। तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क किनारे। थोड़ी देर रुका तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में माल होगा और चेक करा लेते हैं जाके हॉस्पिटल में अपनी चोट को और पैर ठीक करा लेते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे उड़ाते हैं। तब अस्पताल जाने से पहले उसने सोचा कि एक बार देख तो लेता हूँ कि पर्स में कितने पैसे हैं। तो उसने वह पर्स खोल करके देखा तो वह चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 रुपये की एक नोट रखी हुई थी, पर पर्स बहुत मोटा लग रहा था, लेकिन अंदर कागज़ ही कागज़ रखे थे। उसे लगा कि मेरे पापा क्या इतने गरीब है क्या, एक 100 की नोट रखी है बस। फिर उसे लगा कि इतने सारे कागज़ हैं, देखता हूँ कि किस चीज़ का है ये कागज़। उस लड़के ने पहला कागज़ निकाला तो वह पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 30,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वह लैपटॉप जो एक साल पहले वह लड़का ज़िद कर रहा था कि पापा दिलाओ, यह लैपटॉप मुझे दिलाओ, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे वह लैपटॉप दिलाया था, और वह भी उधार वाले पैसे थे।
वह पैसे चुकाने हैं इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियाँ देखने लगा, सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, लाइट का बिल था, टेलीफोन का बिल था, यह था, वह था, राशन का बिल था। वह देखता जा रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लग रहा था, तो फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो किसी उधारी की पर्ची नहीं थी, पर एक छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराने स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, और आखिर यह बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वह कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी का वह जो पुराना स्कूटर है जिससे वह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, वह इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सके। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, वह दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैरों में कांटा चुभ रहा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा, तब वहां पापा नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वह जो विज्ञापन का पर्चा था उस पर जो पता लिखा हुआ था, वह दौड़कर उस पते पर जा पहुंचा। उसने देखा कि पापा वहां पर बात कर रहे थे और स्कूटर बेचने की बात चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा और कमाल का इंजीनियर बनूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। यह दिन वापस नहीं आने दूंगा और प्लीज़ चलिए ना वापस घर, चलते हैं। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है और इसे घर में ही रखना है। रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे सब समझ आ गया है पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था और मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन अगर वह पर्स नहीं चुराता तो शायद आज आपकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चल पाती। छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सिखाती है कि लाइफ में याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो लेकिन मना करते हुए नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी आंखों में सिर्फ दो बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब।